हारमोनियम बजाते नहीं हो। श्री ठाकुर मंडल ढाबा का निर्माण से जिला होशंगाबाद आपकी सेवा में सदर समर्पित है। हम बच्चों से त्रुटियां होगी बालक समझकर क्षमा करेंगे। इसी आशा के साथ समिति का आदेश सर्वप्रथम भगवान गजानंद महाराज की वंदना मानव चेतावनी एवं रामचरित मानस के अंतर्गत भजन सुनाइए रहो। महफिल में हम यही आस लगाए हुए आए हैं तो कहने हैं कि हे गजानंद महाराज पूरी गजानंद बिगड़ी बना देना सजा दे
मानव के लिए कहना ही मानव से कि इस दुनिया में क्या लाए थे क्या ले जाएगा कुछ साथ नहीं जाना तो कहना ही कि राम नाम के लूट है लूट सके तू लूट और यदि समय पछताएगा जब प्रण जाए कहना ही मानव से बड़ी ही अच्छी बात जमीन पर आए हैं चलकर देख लेते हैं आओ हम भी बुलंदियों से उतर कर देख लेते हैं आज जिन लोगों ने वादा किया था राम नाम जपने का उन्हीं को आजमा कर देख कहने हे मानव से राम सुमी रन कर ले प्राणी और छोड़ कपट जंजाल तेरी दो दिन की जिंदगा बात एक समय की जब रावण
माँ सिया जी का हरण करके ले जाते हैं। तभी माँ सिया जी पुकार करती है और कहती है कि कोई मुझे आकर इस दुष्ट रावण से बचाइए। तभी माँ सिया जी की पुकार गिद्धराज जटायु सुनते हैं। जैसे ही गिद्धराज जटायु ने सुना, माँ सिया जी को बचाने के लिए जाते हैं और रावण और जटायु में दोनों में घमासान युद्ध होता है। तभी युद्ध के दौरान रावण गिद्धराज जटायु के पंखों को काट देते हैं। पंख कटते ही गिद्धराज जटायु प्रभु श्री राम नाम का स्मरण करने लगते और कहने लगते हैं, प्रभु श्री राम नाम का स्मरण करते हुए कहते हैं, भरपूर के नामा राम सुख राशी मनुज चरित करी अजी अभिलाषे, आगे पर गीत पति देखा सुमिरत राम चरण जिने। किस तरह गिद्धराज जटायु प्रभु श्री राम जी महाराज की याद करते ही कहने लगते हैं कि हे प्रभु, कहने लगते हैं पूरी जानिया भक्त में पड़ गई रे, ओ मेरे राम जिया। गिद्धराज जटायु प्रभु श्री राम जी को पुकारते और कहते हैं, जानिया भत में पड़ गई रे, जानिया भत में पड़ गई रे, अरे लंका पति रावण ने माता सीता हर लई, जटायु के पास पहुंचते हैं, सारा हाल सुनाते हुए कहते हैं, और पंखों को काट गया है वो रामी जी, पंख को काट गया है वो, और माता सीता को ले अपने साथ गया है अपने साथ गया है।
आना।